ये लीजिए पटेल साहब मिठाई खाइए। कांग्रेचुलेशन उषा जी। भाटिया साहब मिठाई खाइए ना। अरे शुक्ला जी क्या बात है, फिर बच्चा हो गया? नहीं नहीं, शुक्ला को पार्टी लाइन का कनेक्शन मिल गया है ना। अभी हम पीटीएनएल के कर्मचारियों को तीखी तीखी लड़कियों के साथ मीठी मीठी बातें शुक्ला फ्री में कराएगा। क्या बात है क्या बात है भाई, पार्टी लाइन के कनेक्शन के लिए तो पार्टी होनी चाहिए ना। यही तो, सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, पार्टी भी होगी लेकिन कस्टमर आ जाने दीजिए तब ना। मतलब उद्घाटन नहीं हुआ है क्या? नहीं, हो गया लेकिन एक दो ठो वही फोकटिया टाइप। कौन कौन फोकटिया कौन? पांडे जी देख नहीं रहे हैं, रात भर लड़की से बात की है और यहाँ ऑफिस में सो रहे हैं क्या पांडे? पांडे जी। हाँ हाँ पांडे जी, ये तो बताइए कि मजा मजा आया कि नहीं? मजा मजा पूछ रहे? क्या लड़की थी और क्या बातें कर रही थी है? लाइव बन गई शुक्ला जी। क्या कौन है कौन भाई शुक्ला, किसे बिठाया है, नाम क्या है लड़की का? राधे श्याम। ये तो लौंडे का नाम है। हाँ मामा का लड़का है, उसी को बिठा दिया है। क्या? हाँ रामलीला में सुपर नखा का रोल करता है। क्या रोल करता है भाटिया जी, लड़की की आवाज तो ऐसे निकालता है उषा जी शर्मा जाए। मतलब मैं रात भर लड़की से लड़की समझ के बात करता रहा। और क्या फोकट में और क्या मिलेगा? अरे लेकिन बिल किसके नाम डालोगे? डालोगे, डाल दिया भैया। अब हम फोन थोड़ी करते हैं, फोन तो आप करते हैं, तो बिल किसका आना चाहिए? आपका है? हमारा क्यों भाई, जब किसी और ने फोन किया तो बिल मेरा आया, तो जब मैं फोन करूंगा तो बिल आपका ही आना चाहिए। अरे नहीं नहीं, हमारा बिल नहीं आता। क्यों? स्टाफ को फोन फ्री है। पासवान साहब जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद काहे के लिए? अभी आपने कहा पासवान जिंदाबाद। आप पासवान हैं? जी हाँ पासवान हूँ। अच्छा अच्छा, आपने हमें फोन फ्री दिया है? आप मेरे रिश्तेदार हैं ना? मेरे दोस्त हैं ना, तो मैं आपको फ्री में फोन क्यों दूंगा? आप नेता हैं? जी नहीं। अभिनेता हैं? जी नहीं। तो हम आपको खामखा क्यों जिंदाबाद कहेंगे? पर अभी तो आप कह रहे थे पासवान जिंदाबाद, कहा ना इन्होंने? हाँ कहा। आप रामविलास पासवान हैं? जी नहीं, मैं तो मुसद्दीलाल पासवान हूँ। तो भैया हम रामविलास पासवान जिंदाबाद बोल लेते हैं, एनी ऑब्जेक्शन गुरु जी? नहीं नहीं, पहले बता दिया होता तो हम भी साथ में जिंदाबाद लगा देते। अब बोलिए क्या जिंदाबाद? नहीं नहीं नहीं, काम क्या है? एक काम, ये फोन बिल के बारे में बात करनी थी। बात क्या करनी है, जाइए अंदर जाके भर दीजिए। नहीं भरूंगा नहीं। क्या बिल नहीं भरेंगे? नहीं मतलब भरूंगा, लेकिन आप जरा देखिए कि मेरे बिल में एक ही नंबर पे 15,000 रुपए के कॉल किए गए हैं। तो हम क्या करें? तो मैं क्या करूं? अरे भाई आपका फोन है, फोन आपने किया होगा, आप देखिए संभालिए, जाइए। फोन मेरा है, किया मैंने नहीं है, मैं क्या करूं? मेरा भी यही प्रॉब्लम है। अरे तो हमसे क्या बोले, जाके अकाउंट ऑफिसर से बोलिए। अकाउंट ऑफिसर कहाँ मिलेंगे? जाके उन्हीं से पूछ लीजिए। चलिए आइए चलते हैं, 1 से 2 भले। उसको पता होगा। मेरा भी यही प्रॉब्लम है। प्यून बेटा, बेटा प्यून, प्यून बेटा जी। लगता है सो रहा है। अच्छा मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा मैं तो देखते ही समझ गया था कि ये सो रहा है। अच्छा हाँ प्यून बेटा, प्यून बेटा जी। अरे प्यून की औलाद कौन बोला? प्यून की औलाद कौन? मैं तो नहीं बोला। मैं भी नहीं बोला। ओ मुझे वहम हुआ हो, मुझे लगा किसी ने आवाज दी है। जी एनीवे तो फिर से सो गया प्यून बेटा। बेटा प्यून, बेटा पी पी बेटा प्यून, तुम आंखें खोलो, नलका खोलो, मुंह धो लो। सूरज निकला, चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली, तुम भी अपनी आंखें खोलो। प्यून बेटा तुम आंखें खोलो, प्यून बेटा तुम आंखें खोलो। नहीं तो उठ नहीं रहा। प्यून की औलाद फिर किसने दिया आवाज? कौन? इसने दिया आवाज, इसने। क्या है? हमें अकाउंट अफसर से मिलना है। मैं आपको अकाउंट ऑफिसर लगता हूँ? अरे नहीं नहीं बेटा जी, आप तो शक्ल से ही पियन लगते हैं। तो फिर मुझसे क्यों मिल रहे हैं आप? वो एक्चुअली हमें वो अकाउंट ऑफिसर साहब के बारे में पूछना था। वो कहाँ मिलेंगे? ऑफिस में। नहीं ऑफिस में कहाँ मिलेंगे? अपने केबिन में। नहीं उनका केबिन कहाँ है? केबिन कहाँ होगा, ऑफिस में ही होगा ना। नहीं ऑफिस कहाँ? जहाँ आप खड़े हैं। ओ हाँ 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 हाँ, लेकिन वो कहाँ मिलेंगे अकाउंट ऑफिसर साहब? अरे कहाँ ना, ऑफिस में जाओ, बार बार मत पूछो प्लीज। नहीं बेटा जी बात क्या है, पियन बेटा ये तो पिक्चर्स हो गया। पियन बेटा, बेटा पियन, पियन क्यों जगा रहे इसे? ये सो गया है। पता है ये सो रहा है। अरे ऑफिस में सो रहा है। हाँ जनता की भलाई के लिए सो रहा है ये। लेकिन ये तो खर्राटे ले रहा है ना। तभी तो सोने देते हैं, इसके खर्राटों की आवाज की वजह से तो पूरा स्टाफ जागता है। अगर सब लोग सो गए तो फिर जनता का काम कौन करेगा भाई? अच्छा अच्छा, अगर इसलिए सो रहा है तो फिर सोने दीजिए। सो जा बेटा जी। एक सवाल पूछूं आपसे? एक ही, बस एक ही पूछिए। ये अकाउंट ऑफिसर साहब कहाँ मिलेंगे? वो तो अपने केबिन में होंगे ना। लेकिन उनका केबिन कहाँ है? केबिन ऑफिस में ही कहीं होगा ना।
आपको सब पता है तो पूछ क्यों रहे हैं आप? नहीं, सब कुछ पता तो है मुझे, लेकिन अकाउंट ऑफिसर साहब मिलेंगे कहाँ ये नहीं पता। अकाउंट ऑफिसर तो अपने कैबिन में होंगे वहाँ। अच्छा, पर उस तरफ। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। आ बेटा जी। क्या मतलब भाई साहब? अरे रे रे रे, मेरी तो पास की नजर कमजोर है, मेरे तो दूर का चश्मा लगा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा भी यही प्रॉब्लम है। अब कैसे पता चलेगा फिर कि ये अकाउंट्स ऑफिसर लिखा है कि नहीं लिखा? आपकी दूर की नजर ठीक है? हाँ, दूर की नजर तो ठीक है। तो फिर दूर जाके पढ़िए। ठीक है, दूर जाके पढ़ता हूँ, ये ख्याल अच्छा है। दूर जाके पढ़ता हूँ मैं, बिल्कुल। हाँ, अकाउंट्स ऑफिसर ही लिखा हुआ है। अरे भाई साहब, ये अकाउंट्स ऑफिसर साहब अंदर हैं? नहीं। तो कहाँ मिलेंगे? बाहर। बाहर कहाँ? अरे आपके सामने, आपके पास। मेरे सामने? मेरे पास? मेरे सामने मेरे पास तो ये हैं। ये भाई, ये तो बहुत देर से, कौन हो भाई तुम? मैं मतलब बहुत देर से मेरे साथ लगे हुए, तुम हो कौन? मैं गिरधारी लाल कक्कड़। देखा, ये गिरधारी लाल कक्कड़ हैं, अकाउंट्स ऑफिसर नहीं हैं। नहीं है, पता है। तो मेरे सामने मेरे पास आप? अच्छा, मेरे सामने मेरे पास तो आप भी हैं, कहीं आप ही अकाउंट ऑफिसर तो नहीं हैं? हाँ भाई, मैं ही अकाउंट ऑफिसर भाटिया। भाटिया बेटा जी, कब से हम आपको ढूंढ रहे थे, पर जरा सा काम कर दीजिए। काम कल? कल क्यों? अभी मेरा टाइम खत्म। ऐसे मत कहो बेटा, तुम तो हट्टे कट्टे अच्छे खासे खाते पीते खानदान के लगते हो, अभी तो तुम्हारे पास बहुत टाइम बाकी है। अभी टाइम खत्म? ना ना बेटा, ऐसे निराश नहीं होते, सब ठीक हो जाएगा, बस मेरा काम कर दो। अरे बोला ना पब्लिक प्रॉब्लम, 2 बजे तक, 2 बज चुके हैं, मतलब मेरा टाइम खत्म। अरे पांडे जी, कुछ खाना वाना लगवाओ यार। जी बेटा जी, मेरा नाम मुसद्दीलाल पासवान है। नमस्ते, बैठिए ना। नहीं नहीं नहीं, बैठने की कोई जरूरत नहीं है, आजकल इस जमाने में बुजुर्गों की इतनी इज्जत कौन करता है? कौन करता है? आप करती हैं, आपने बैठने के लिए कहा है। वो तो आपके नाम के आगे पासवान लगा है इसलिए, वरना काम बोलो क्या है। वो हमें अकाउंट्स ऑफिसर साहब से मिलना था, क्योंकि हमारे ये बिल के अंदर कुछ गड़बड़ है, ये जरा देखिए। मेरा भी यही प्रॉब्लम है। बाद में दिखाना ना। ओ, इस उम्र में आप लड़कियों से ऐसी वैसी बातें करते हैं फोन पे? छी। नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता हूँ। तो बिल कैसे आ गया? वो इसीलिए, इसी प्रॉब्लम को लेके तो मैं आपके पास आया हूँ। देखिए, मैंने स्पाइस गर्ल से कोई चैट नहीं की। बोलो ना, तुम भी बोलो। मेरा भी यही प्रॉब्लम है। आपको तो भाटिया साहब के पास जाना होगा। हाँ, तो भाटिया साहब के पास जाने के लिए ही तो हम आपके पास आए। अरे भाटिया साहब के पास जाना है तो उनके पास जाओ, मेरे पास क्यों? वो प्यून ने आपके पास भेजा है। पैसे लिए क्या आपसे? आपने उन्हें बताया नहीं कि आप पासवान है? नहीं नहीं, तभी तो। जी, ये फाइल जरा चेक कर लेना जी। ये वो लोग हैं जिनके फोन काटने हैं, और ये वो लोग हैं जिनके फोन जोड़ने हैं। ठीक है पटेल साहब, ये पासवान साहब हैं। पासवान? नहीं, पासवान तो वो वाले नहीं, ये मुसद्दीलाल पासवान हैं। इनके बिल का कुछ प्रॉब्लम है, जरा देख लीजिए ना प्लीज। आइए। चले बेटा। थैंक यू बेटा। आओ बेटा। क्या? हेलो भाई, कॉल्स किए हैं तो बिल तो आएगा ना? नहीं नहीं, मैंने कॉल्स नहीं किए, मैं तो घर पे अकेला रहता हूँ। मेरा भी यही प्रॉब्लम है। अकेले रहते हैं? ओह, फिर तो जरूर किए होंगे। मैंने नहीं किए हैं भाई, 67 साल मेरी उम्र है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं डायल कैसे कर सकता हूँ? ऐसे नहीं, वो ऐसे करके डायल मैंने नहीं किए हैं भाई। फिर हो सकता है पड़ोसी ने किए हो। पर मेरा तो कोई पड़ोसी है ही नहीं। जंगल में रहते हैं? नहीं, जंगल में नहीं रहता हूँ, मतलब कोई पड़ोसी मेरे यहाँ टेलीफोन करने के लिए नहीं आया। फिर तो आप ही नहीं किए हैं। नहीं, मैंने नहीं किया, आप मेरी बात मानिए। देखिए अंकल, आपका बिल देखकर लगता है कि या तो फोन आपने किए हैं, या तो किसी और का बिल आपके नाम चढ़ गया है। किसी और का बिल आपके नाम चढ़ गया है तो फिर पैसे आपको भरने पड़ेंगे, और अगर आपने किए हैं तो 2 बातें हो सकती है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, झूठ बोल रहे हैं तो 2 बातें होंगी, या तो आपको पाप लगेगा या तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ऐसा नहीं होता, और लगा तो अंकल क्यों झूठ बोलकर पाप सड़ लेते हैं? सच बोल के बिल क्यों नहीं भर देते आप? लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। की किए हैं कि नहीं किए हैं? देखिए, इस उम्र में अकेलेपन में ऐसा होता है, इंसान तन्हाई पूरी करने के लिए, यू नो, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, करते हैं, कुछ लोग करते हैं। जाइए जाइए, भर दीजिए, जाइए। अरे भाई, मैंने फोन नहीं किए हैं। मेरा भी यही प्रॉब्लम है। आप प्लीज प्लीज कुछ करते क्यों नहीं? भाई मैं सलाह दे सकता था जो मैंने दे दी, अगर कुछ कर सकते हैं तो भाटिया जी कर सकते हैं। तो आप हमें भाटिया जी से मिलवा दीजिए प्लीज। ओके। हेलो भाटिया जी, एक मिस्टर पासवान करके कोई है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ओहो, पासवान साहब यहाँ? ठीक है, मैं आता हूँ। अरे चलो ठीक है, उन्हीं को भेज दो। ओके।
जाइए। थैंक यू बेटा, आओ बेटा। फिर अरे थोड़ा एडजस्ट कर लो ना भाई। अच्छा चलिए। क्या है ये, क्या है? बट 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 भाटिया बेटे, हम अंदर आ जाएं। आप कौन? मुसद्दीलाल पासवान नाम है मेरा। आप पासवान हैं? जी हाँ, मैं पासवान हूँ। आओ भाई, और ये कक्कड़ हैं। कल मिले थे ना हम लोग बाहर। हाँ, लेकिन आप ये जरा बिल में कुछ गड़बड़ है, थोड़ा ठीक कर देना। मेरा भी यही प्रॉब्लम है। देखो बेटा, बात ये है कि ये जो पार्टी गर्ल्स होती है ना, किसी ने उनको 10 कॉल्स की हैं और मेरे बिल के अंदर डाल दी गई। मेरा भी यही प्रॉब्लम है। अब बताओ, हम लोगों की कोई उम्र है इस तरह की लड़कियों के साथ उस तरह की बातें करने की? जैसे आप जैसे लोग ही उस तरह की बातें करते हैं। देखिए, अगर अमाउंट बिल में आ गया है तो भरना तो पड़ेगा। कैसे भरना पड़ेगा? भाई आप पान थूक के बात कीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई चेक या कैश, यही कहना चाह रहे हैं ना? अरे जब पटा था तो पान को टुको दिया। बेटा देखो, ऑफिस के अंदर इस तरह से जुगाली करते हुए आदमी अच्छा नहीं लगता। क्या? हाँ, तो देखो बेटा, जरा देखो बिल को। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अरे ऐसे कैसे कह रहे हो, क्यों नहीं कर सकते? तुम तो हट्टे कट्टे खाते पीते खानदान के लड़के नजर आते हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। ये खाने पीने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। नहीं, खाना खाना पीना तो बड़ी अच्छी बात है। बड़ी अच्छी बात है खाना पीना तो। खाना पीना बहुत अच्छी बात है। तो कितना खिला सकते हो? कितना नहीं बेटे, पूछते क्या खिला सकते हो। क्या तो हमको पता है, आप ये बताइए कि कितना खिला सकते हैं। कितना खिला सकते हैं, पता नहीं क्यों मुझे बेटा ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ रिश्वत के बारे में बात कर रहे हो। वो बस... नहीं, नहीं नहीं नहीं, शर्माओ नहीं, साफ साफ बोलो। नहीं, वो आप बुजुर्ग है ना, इसलिए कहने में थोड़ी शर्म लगती है। वैसे आप जो मतलब जो मैं खिला दूंगा तुम खा लोगे? हाँ, खा लेंगे। एक पैसा नहीं खिलाऊंगा मैं, एक नया पैसा नहीं खिलाऊंगा मैं। समझते क्या हो तुम अपने आप को? धांधली करते हो मेरे बिल के साथ। कंज्यूमर कोर्ट में ले जाऊंगा, पीटीएनएल के खिलाफ मुकदमा करूंगा, सबको ठीक करके रख दूंगा। वरना मेरा नाम मुसद्दीलाल पासवान नहीं है। अरे हटो तुम साइड पे। एक मिनट अंकिल, एक मिनट। अरे पकड़ो यार उसको, वो भी पासवान है। मैं जनरल मैनेजर से जाकर रिपोर्ट करूंगा। मैं कहता हूँ जो मांगता है दे दो। तू चुप कर, वरना तेरे को भी मंदर करा दूंगा। अंकिल 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 प्लीज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। अंकिल देखिए, मैंने आपसे रिश्वत नहीं मांगी थी। तुमने रिश्वत मांगी थी, मैं तुम सबको एक्सपोज कर दूंगा, नंगा कर दूंगा तुम सबको। क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ भाटिया जी, क्यों रो रहे? ये अंकिल कह रहे हैं कि मैंने इनसे रिश्वत मांगी थी। पटेल, ये बताओ कि इतने साल के मेरी कैरियर में, मेरे इतने साल की सर्विस में मैंने कभी रिश्वत मांगी है? नहीं पटेल, बोलो तुम, बोलो हमने कभी रिश्वत मांगी है? नहीं मतलब हाँ, बिना मांगे ही मिल जाती है ना। क्या बोल रहा है यार? नहीं मतलब हमने कभी नहीं मांगी, कभी नहीं मांगी, कभी नहीं मांगी। और ये अंकिल कह रहे हैं कि मैंने इनसे रिश्वत मांगी। मैं नौकरी से रिजाइन कर दूंगा, लेकिन ये अपमान नहीं सहूंगा मैं। वहां कमरे के अंदर तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे खिलाओ? कहा था लेकिन पैसे नहीं, पैसे नहीं। आपको पता है कि मेरे को भूख की बीमारी है। अरे अगर एक भूखे ने कुछ खाने के लिए मांग लिया तो वो रिश्वत हो गई। बोलो जवाब दो। अरे प्लीज, नहीं दे सकते तो मत दो, लेकिन मेरी भूख को रिश्वत का नाम देके बदनाम मत करो प्लीज। अरे वरना दुनिया में कोई भूखा ये नहीं कहेगा कि उसे भूख लगी है, सब कहेंगे कि उसे रिश्वत लगी है। ना 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 बेटा, ना बेटा ना, क्या नाम है तेरा? भाटिया। हाँ बेटा भाटिया, आई एम सॉरी, मैं जिस बातों की रोह में बह गया था। मैं तुझे खिलाऊंगा क्या जो तू चाहेगा? मैं समोसे को चोरी चोरी नहीं खाऊंगा। नहीं, मैं तेरे को पूरा डिनर करा दूंगा बेटा। नहीं, आप मेरे को पैसे दे दो, कैश मैं खुद खा लूंगा। अच्छा ठीक है, ये ले 100 रुपए बेटा। 100 रुपए बस? अच्छा चलिए, ये 100 रुपए और ले ले बेटा। इससे क्या होगा? वो इसके बाद तो फिर रिश्वत वाली बात हो जाएगी बेटा। ओके 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 अंकल प्लीज, आप रो मत, रो मत। अरे रो कैसे, नहीं मेरे ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगाया गया है, मसालेदार लड़कियों के साथ बात करने का, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, ऐसा इल्जाम लगाया गया है मेरे ऊपर। कहाँ लगाया इल्जाम? अरे इस बिल के अंदर लगाया है इल्जाम। भर दूंगा, भर दूंगा मैं ये बिल भर दूंगा। लेकिन तुम मुझे बताओ बेटा, 15,000 रुपए का बिल आया है स्पाइसी लड़कियों से चैट करने का, अगर तुम्हारे पिताजी का आता तो तुम क्या करते? आप बताइए, क्या आपके पिताजी 15,000 रुपए की चैट कर सकते हैं? वो क्या होता है वो स्पाइस लड़कियों के साथ? 15 क्या, 50 तक जा सकते हैं मेरे पिताजी। आप उनके छोड़िए ना, प्लीज डोंट कंपेयर। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैं उनको कंपेयर नहीं करता हूँ, एक्सेप्शनल केस है। लेकिन मुझे देखिए और इनको देखिए, 15,000 रुपए मेरे बिल में लिखे हुए हैं, 10,000 रुपए इनके बिल में लिखे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि हम लड़कियों से बात कर सकते हैं? बोलो पियोन बेटा। नहीं लगता तो है। हाँ नहीं किए तो फिर 10 कॉल कहाँ से लग गए इसमें?
मुझे नहीं पता। अरे आपके बिल में है ना? मैंने नहीं किए हैं। अरे लिखा है भाई। मुझे नहीं पता। 10 कॉल हैं। मैंने 10 कॉल नहीं किए हैं। तो कितने की? मैंने वो कितनी वो कितनी कितनी की कितनी? मैंने तो 3 ही कॉल की हैं। अंकल मतलब की ना? मजा आया? ये राधे श्याम बहुत मजेदार बातें करता है। ये राधे श्याम कौन है? कोटबाट कोटबाट। तो अखिल अभी तक तुम आप बड़े शरीफ अलीफ बने हुए थे। भाई मैं 3 कॉल का पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं 10 कॉल का नहीं करूंगा। अरे भाई हम कैसे माने? 3 की है तो 10 भी कर सकते हो। नहीं भाई मैंने 3 ही की है, 10 नहीं की है, मैं 10 कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, 10 कॉल का भरना पड़ेगा। अरे पान वाले भाई ऐसी क्यों बात कर रहे हो? ना आपकी ना पीटीएनएल की, 8 में सेटल करा देते। नहीं पर वो बार बार कुछ नहीं, उषा जी ने कह दिया ना तो फाइनल 15,000 की जगह आप 12,000 भर दीजिए। ओके हाँ बताइए, चेक देंगे कि कैश? कैश तो कहाँ है, मैं चेक ही दूंगा, पकड़ इसको यार। वैसे मैं चेकबुक साथ लेके आया था, पेन भी है मेरे पास इस तरफ, मगर तुम लोग किसी को बताना मत क्योंकि यू नो वी अंडरस्टैंड, इट्स ओके। तू तो मत ही बोलना। ये 12,000 रुपए का। थैंक यू अंकल। अब मैं कितने कर दूं? देखिए ऐसे तो बोल नहीं पाते, वैसे क्या बोलेंगे, बिल दिखाइए। दो कॉल आप ऐसा कीजिए, 2 कॉल का दे दीजिए 2,000। अच्छा चले बेटा चलो ना, वाइफ से बात तो होती है। इनके बिल में से तो कॉल छोड़ दिए, लेकिन अभी लगाएंगे किसके बिल में? आपको क्या लगता है सर, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही बुड्ढे हैं क्या? देखा बेटा कक्कड़, कैसे बिल में पैसे मैंने कम करा दिए, 3 नहीं 10 कॉल की थी मैंने और पैसे दिए मैंने सिर्फ 8 कॉल के। 8? मैंने पता है पूरी 9 कॉल की थी और बिल दिए 2 के सिर्फ 2,000। क्या चले बेटा है?